फ्रेंड कैसे हो आप सभी, स्वागत है और नए ब्लॉग में। फ्रेंड आप सब बहुत बोल रहे हो कि कुकिंग की वीडियो बनाओ, कुकिंग की वीडियो बनाए। तो आज हम बना रहे हैं मंगोच्ची। तो देखो कैसे बनाएंगे हम मंगोच्ची। तो हमने भिगो कर रख रखी थी पहले ही, तो ये भिगो कर रख रखी थी हमने दाल, चने की दाल से ही तो बना पीस के। तो अब मैं इसका पानी, देखो ये रहा लीटर में मैंने भिगो कर रख रखी। अब मैं इसका पानी जिता दूँ सारा, ठीक है, और मैं इसको धो लूँ। इसके ऊपर झाग हो रहे हैं, ये ना धूप में फूल रहे हैं। ये देखो कितनी मोटी मोटी हो गई हैं फूल के। अब मैं इसको धो लूँ और इसके बाद धोकर ऐसे सिल पे पीस लूँ, और फिर मैं इसकी बनाऊँगी मंगोच्ची हरी मिर्चों में। चलो अब देखो मैं इसे धो दूँ अच्छी तरह से। इसका सारा जितना भी होगा ना पानी सारा निकाल लूँ। अगर मैं दाल गेर दूं तो वहां दाल भी उग जाएगी, चने चने की। मैंने नहीं क्यारी में वो गे रखी थी चने के दाने, ऐसे गिरे होंगे 30-40 चने के दाने गिरे होंगे। मैंने वहां और चने के पेड़ निकल गया है, वहां पे इतने लंबे लंबे चने के पेड़ हो रहे हैं। अब मैं खूब चने के पिड्डे पे चढ़ा करूंगी चढ़कर उतर जा करूंगी जल्दी। सब क्या कर रहा है ना, चने के पेड़ पर चढ़ गई, चने के पेड़ पर चढ़ गई। अब देखते हैं चने के पेड़ पर कितना चढ़ा जाएगा। तभी चला ना सुबह को तो धो गई। अब मैं जाकर धो दूँ सिल, सिल पे तो पिसेगी। अब यार तो ले जाऊँ बाल्टी। मंगोच्ची बहुत अच्छी लगती है, बना कर खाओ आप भी। पहले सिल धो दो फिर उसके बाद में फिर पीस लो। तो सिल तो धो गई है, अब ये पानी ना अच्छा नहीं है, तो इस पानी में तो सिल धो गई। अब मैं लेके आती हूँ साफ पानी जा। तो दाल वाल मैंने पीस लिया है, और पीस के मैंने इसमें चीरी है प्याज, और मैं चीर रही हूँ अभी हरी मिर्चे। तो हरी मिर्चे भी मैंने इसमें चीर ली है, तो अभी इनको मैं साइड में रख दूँ। और मैं कुछ एक चीज लेके भी तो आई थी बर्तनों का, अब फेंक दिला ला फेंक ला फेंक 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 आ गया। नमक का डिब्बा भी उड़ कर आया मेरे पास अब मैं इसमें ना नमक डाल दूँ, ज़्यादा तेज नहीं, बिल्कुल स्वाद के अनुसार। बाद में चेक कर लेंगे फिर, पहले हल्का सा ही डाल दूँ इसमें नमक। अरे इस तो बड़ी ना के, और इस तो बड़ी, इस तो बड़ी। ये तो मैंने डाल दिया इसमें नमक। अब मैं इसको ना थोड़ी सी देर ढक के धर दूँ, मैं पहले हल्का डालूँ क्योंकि फिर आग निकल जाएगी, नहीं तो फिर क्या है। हाँ ले जा, यह है हल्दी। हल्दी बाद में डाल दूँगी इसमें, हल्दी बहुत तेज लगाया। अब फटाफट से आग जला दूँ मैं, मुझे बहुत काम है, जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा मुझे। अब नमक अच्छा हो रहा है, इसमें पानी भर लूँ डेगची में पानी। चल गैली लग जाऊँगा, इसे रख दिया मैंने चिल्ली पहले तेल लगाने। वहाँ दे रही है ना।
देखो ऐसे बनाओ ना आप भी, और इसका दूसरा नया तरीका भी है। एक रुमाल ले मोटा सा, उसे भिगो और उसे पतीली पर रख दो, पानी भर के उसमें भाप बनती रहेगी और वो ये बनते रहेंगे। भाप तो ही तो है ये, स्टीम वाले बोल लो ना, स्टीम वाले मोमोज है नी, और स्टीम पकौड़ी, मोमोज नहीं वो मंगोच्ची पकौड़ी, स्टीम वाले मंगोच्ची मंगोच्ची इन्हें पकौड़ी हो गई तो बोल रहे हैं मंगोच्ची। ये जो इस तरह बना है इमरान आसमी आ गए हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अकेले ना बैठा। सारी नहाने की एक बार और आवेगी अभी तो इतनी जितनी मैंने तोड़ दी ना इतनी और आवेगी। ढक दूंगी प्लेट तक जल्दी जल्दी हो जाएंगी। एक अद्धी जगह तो अभी रह हो गई। ये देखो भर गई सारी हमारी छन्नी, अभी तो एक बार और टेंगी है। मैं हरी मिर्चों में सब्जी बनाऊंगी तो हरी मिर्चें छील लूं मैं, इतना ये भी हो जाएंगी भाप में बनकर तैयार। तो इनकी सब्जी भी बना ऐसे भी खा लो, ऐसे खड़ा बहुत अच्छी लगेगी। तो इमरान आसमी तो चिंकू की गोद में बैठा चढ़ गए इतने में भी खाया था जी नारी हां नारी। अच्छा बात ठीक है हां के बात थी आटा पूछू थी से तो 2.5 किलो हमारा ये फल रहा हम पीछे का अपना हमारा तो एक बना है नहीं 1 किलो भी नहीं है हमारा फल पता नहीं पीछे का हम तो अपना बना मका भाई बेचते आटा नहीं बेचते हम दादी बुआ मक्खियाँ जहाँ भी जाए हम हमारे पीछे पीछे गुड़ की तरह चिपक के आ जावे पता ना के। अरे प्याज ही प्याज डर लाए समय डर कहिए फिर काम ना फैलावे तू यहाँ सी देख देख सारी लेके आ रहा है यही डर रहा बड़ा इमरान लो पर ले ऐसा भी दरगाह में ही चल ले ले भाग गया बाप उड़नी शुरू होगी अभी तो रह रही कच्ची कच्ची पका दी बढ़िया तरह आग लगा दो इसमें जल्दी जल्दी दिन छिपने का पहला पहला
रही है तैयार। अब हम उतार लेंगे इन्हें। ओह माय गॉड, ये देखो जी कितनी अच्छी बनी है। हाय हाय, ठंडी होकर हो जाएंगी टाइट। चलो तो अच्छा, तो फ्रेंड जैसे मैंने बनाई है आप भी ऐसे बना के देखना और खा के जरूर देखना, ठीक है? बना के खाओ, वो बना के खाओ, लाइक करो, शेयर करो। तो मिलते हैं फिर, बाय।